नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, जो अपने एलडीसी की जो एग्जाम हुई थी दोस्तों, एलडीसी की जो एग्जाम हुई थी 2018 के अंदर अगस्त में और सितंबर के अंदर जो एलडीसी की एग्जाम हुई थी, 4 तारीख को हुई थी। अलग अलग 4 फेज में अलग अलग एग्जाम हुई थी। उनकी जो सेकेंड जो उसका एग्जाम होगा, सेकेंड फेज की जो एग्जाम होगी उसकी टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, उसके लिए डेट अनाउंस कर दी गई है दोस्तों। तो जो भी बच्चे उसके अंदर हैं, फर्स्ट एग्जाम के अंदर जिन्होंने क्लियर किया है, उनके लिए ये डेट इम्पोर्टेंट है, वो अपनी तैयारी में लग जाइए। तो आपको ये बताता हूँ इसके अंदर पढ़ के क्या लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा लिपिक ग्रेड सेकेंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त स्थिति भर्ती 2018 के द्वितीय चरण फेज सेकेंड की परीक्षा दिनांक 3/9/2019 से 6/9/2019 तक कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों होगा, ठीक है, और 3 से 6 सितंबर, 3 से 6 सितंबर के बीच होगा, ठीक है। तो आपके पास लगभग 40 से 45 दिन है दोस्तों, तो अभी भी जो तैयारी नहीं कर रहा है वो उसमें लग जाइए, ठीक है। और इसके लिए इसमें ये लिखा गया है दोस्तों कि पहले जब अपने पास फॉर्म भराए गए थे तो इसमें ये बोला गया था कि जो टंकण गति और दक्षता परीक्षण के लिए परीक्षा हेतु तो अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का कंप्यूटर लाने हेतु निर्देशित किया गया था, ठीक है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि और एकरूपता बनाए रखने के लिए की दृष्टि से अभ्यर्थी को परीक्षा में बोर्ड द्वारा कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा। अब आपको अपना कंप्यूटर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पे आपको बोर्ड ही कंप्यूटर उपलब्ध करवाएगा, ठीक है, लेकिन आपसे वो उसके एवज में चार्ज करेगा, ठीक है, आपसे पैसे लेगा। अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हो या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रिमिलियर के, तो आपसे 450 रुपये लेगा, ठीक है, जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए वो कितने लेगा, 450 रुपये लेगा, नॉन क्रिमिलेयर के लिए, क्रिमिलेयर के लिए, ठीक है, और ओबीसी हो आप या अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग लेकिन नॉन क्रिमिलेयर हो तो 900, 350 रुपये लेगा, ठीक है, और एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो 250 रुपये आपके लगेंगे, ठीक है। अब ये पैसे आपको कैसे देने हैं उसके लिए आपको बता देते हैं कि इसके अंदर अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त अनुसार कंप्यूटर शुल्क स्वयं के एसएसओ आईडी द्वारा, ठीक है, लिपिक ग्रेड सेकंड 2018 के एडमिट कार्ड से सेक्शन पर जाकर, ठीक है, आपको कैसे फीस भरनी है, आपको अपने एसएसओ आईडी पर जाना है, उसके ऊपर एडमिट कार्ड सेक्शन आएगा आपका, ठीक है, ये जो कनिष्ठ सहायक पे जाओगे उसमें एडमिट कार्ड सेक्शन आएगा, ठीक है, वहां पर जाकर आप जमा करा सकते हो, ठीक है। अगर आपने शुल्क जमा नहीं करवाया तो शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अभ्यर्थी अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। जो सेकंड के लिए भी आएगा ना, फेस सेकंड के लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए ई प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, वो आप डाउनलोड नहीं कर सकोगे अगर आपने ये फीस जमा नहीं कराई तो, ठीक है। और आधिकारिक साइट आपको पता ही है, www.rsmssb.rajasthan.gov.in, इसके ऊपर जाना है, अपने एसएसआईडी लॉगिन करनी है और उसके ऊपर अपन को एलडीसी एग्जाम पे जाना है, एडमिट कार्ड सेक्शन पे जाओ, अपनी फीस जमा करवा दो, ठीक है, तभी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। एग्जाम आपको बताई थी 3 सितंबर से 6 सितंबर के बीच होगी, ठीक है, आपकी कंप्यूटर ले जाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड ही आपको कंप्यूटर उपलब्ध करवाएगा, लेकिन आपको ये फीस उससे पहले भरनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके लिए आपको बता देते हैं कि जब भी आपकी एग्जाम हो 3 से 6 के बीच में, 3 से 6 सितंबर के बीच में, आपको निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पहले परीक्षा सेंटर पर पहुंचना पड़ेगा। सेंटर पे आपको 1 घंटा 30 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा दोस्तों, और 4 भागों में आपका ये होगा, ठीक है। पहले हिंदी टंकण गति परीक्षण, मतलब हिंदी की टाइपिंग होगी, 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इसके अंदर, और मैक्सिमम 25 अंक होंगे, और न्यूनतम आपको 6 अंक लाना जरूरी है पास करने के लिए उसको। इसी प्रकार अंग्रेजी की होगी फिर आपकी 10 मिनट 25 अंक की, और न्यूनतम 9 अंक लाना जरूरी है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा हिंदी का, 10 मिनट दी जाएगी वही 25 अंक का और 9 अंक न्यूनतम। उसके बाद आपका होगा अंग्रेजी का स्किल टेस्ट, 10 मिनट का होगा, 25 अंक होंगे उसके और 9 अंक आपको न्यूनतम लाना अनिवार्य है, ठीक है, और आपको समय वही प्रत्येक चीज 25 25 अंक की होगी, और आपको 10 मिनट का समय मिलेगा प्रत्येक चीज के लिए, ठीक है। फिर ये अभ्यर्थी को दोनों भाषाओं हिंदी अंग्रेजी का प्रश्न पत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अंग्रेजी में परिच्छेद 500 शब्दों का होगा और हिंदी में 400 शब्दों का होगा, ठीक है। अंग्रेजी में प्रत्येक सही शब्द पर 0.05 अंक निर्धारित होंगे, हिंदी में प्रत्येक सही शब्द पर 0.06.25 अंक निर्धारित होंगे, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा किए गए टंकण गति कार्य के मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना प्रक्रिया में निम्नानुसार
निम्नांकित त्रुटियों के अंक नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने कोई वर्ड गलत लिख दिया, ठीक है, तो विराम चिन्ह वगैरह नहीं लगाया, तो आपको अंक नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब है। दक्षता परीक्षण आपको पता ही है, एमएस वर्ड में कोई फाइल वगैरह बनवा लेंगे, पावर पॉइंट में कोई पीपीटी वगैरह, एक्सेल की कोई शीट वगैरह, इसी प्रकार से ये आपसे स्किल टेस्ट होगा इसके अंदर, ठीक है। ये कीबोर्ड भी कुछ इस प्रकार से होगा। तो दोस्तों, जो भी एलडीसी के अंदर फर्स्ट में एग्जाम में जो जिन्होंने क्लियर किया था, वो अपना जल्द से जल्द अपनी फीस जमा करा है, ठीक है। और फीस जमा जैसे आप करवाओगे, तभी आपको आपका एडमिट कार्ड जब भी आएगा, वो 5-7 दिन पहले एग्जाम से, 3 सितंबर से एग्जाम शुरू हुए, 3 से 6 के बीच में, तभी आप उसको डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, और आपके जो भी हैं उनको आप शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उनको भी पता चले, ठीक है। जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। और आप चैनल पर अभी नया है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।